सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों, आपको जो मैंने पिछली बार काम करने के लिए दिया था कि आप सारे बच्चे एक प्यारा सा प्लूटो बनाकर अपनी मैम को भेजेंगे, तो आपने तो बहुत अच्छा काम करके भेजा है सबने। सच में? तो बच्चों, पिछली बार मैंने बोला था कि हम आने वाली अगली कक्षा में जो हमारा पार्ट 2 है प्यारा प्लूटो, उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपको एक हम मात्रा का रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, ये कौन सा व्यंजन है? ग ग है ना? अगर इस व्यंजन के साथ इसके मुझे साउंड चेंज करनी हो, और मुझे इसके साथ अगर मैं ये लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? गो है ना? गो। इसके साथ अगर मैं ये वाली मात्रा जोड़ दूं, तो ग के साथ अगर मैंने ई की मात्रा जोड़ दी, तो क्या बन जाएगा? ये गी। गी, ठीक है। तो और अगर मैंने इसके साथ ये वाली मात्रा जोड़ दी, तो ग के साथ ए की मात्रा जोड़ी, तो गे है ना? और अगर ये मात्रा जोड़ दी, तो री से ऋषि वाली जो मात्रा आती है, ग्री, तो बन जाएगा ग्री है ना? तो ऐसे ही ये भी आप जोड़ सकते हैं, गै है ना? गै। ठीक है, तो आपने देखा कि एक व्यंजन से मात्राओं के द्वारा हम कितनी सारी ध्वनियां बना सकते हैं, है ना? चलिए अब आप शुरू करते हैं जल्दी से। आज का हमारा है टारगेट कि हम पार्ट 2 पूरा कर लें रीडिंग। ठीक है, तो बच्चे शुरू करते हैं। ये आपकी कनक पुस्तिका है और उसका है ये पार्ट 2 है ना, और इस पार्ट का नाम है प्यारा प्लूटो। ठीक है, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। अब आप देखिए, पहला ही शब्द में एक व्यंजन आ रहा है, आधा पा और य है ना? क्या ऐसा व्यंजन आपने वर्णमाला में पढ़ा था? नहीं पढ़ा ना, यानी ये कुछ नया है ना? तो ऐसे इसमें देखो, आप देख पा रहे होंगे कि आधा पा है, हाफ पा है, और पूरा फुल य लिखा है। तो इसकी साउंड बन गई, ना तो ये पूरा पा, ना तो ये पा है, ना ये या है, ये प्या हो गया। प्या यानी जो पहले वाला होगा उसकी साउंड हाफ आएगी, प्या है ना? ऐसे व्यंजनों को बच्चों हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। ठीक है, जिसमें पहला और दूसरा डिफरेंट हो, लेकिन ये ध्यान रखना, जिसमें पहला और दूसरा डिफरेंट होने चाहिए। तो ये बन गया प्यारा प्लूटो। सेम इसमें भी यही चीज है, आधा पा है और ला है, तो ये बन गया प्लू प्लू। तो ये भी हो गया हमारा संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं। तो हो गया प्यारा प्लूटो। अब आगे चलते हैं। निखिल दूसरी कक्षा में पढ़ता था। हाँ बच्चों, एक काम और करते जाइए आप साथ साथ। आप जहां पर भी ई की मात्रा वाले शब्द आएंगे, चाहे बड़ी मात्रा हो चाहे छोटी मात्रा हो, है ना, दोनों शब्दों को आप अंडरलाइन करते जाएंगे ई की मात्रा उंगली। ठीक है, जैसे निखिल में भी आ रही है और दूसरी में भी आ रही है, तो ये आप अंडरलाइन करेंगे। तो निखिल दूसरी कक्षा में पढ़ता था। अब इसमें देखो, ये सब तो आपके जाने पहचाने व्यंजन है, लेकिन यहां पर देखो कक्षा श, ये श एक आ रहा है, श जिसे श से क्षत्रिय भी बोलते हैं। ये कौन सा व्यंजन है? ये अभी हमने वर्णमाला में कवर नहीं किया था, तो मैं अभी आपको इसे बता देती हूं। ऐसे शब्दों, ऐसे व्यंजन को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो
दो व्यंजन से मिलकर बने हैं। संयुक्त मतलब दो दो, है ना। अब देखो वो किस किस से मिलकर बने हैं, का आपने पढ़ा है, श आपने पढ़ा है ना। जब हम इन दोनों को जोड़ दें, कंबाइन कर दें, ऐड कर दें, देखो हिंदी में मैथ्स भी होती है, आप कहते हो ना हिंदी हिंदी होती है, हिंदी में इंग्लिश भी पढ़ाई थी आपको, हिंदी में मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं आपको। तो क जमा श इज इक्वल टू श। अगर मैं इसको इंग्लिश का, अगर आपको ऐसे भी समझ सकते हैं, एस एच ए, है ना, श श साउंड करेगा ये। तो निखिल दूसरी कक्षा में पढ़ता था, उसके पापा बैंक में नौकरी करते थे, पूरा परिवार, परिवार मतलब फैमिली, पिछले दो साल से एक छोटे से घर में रहता था। निखिल को छोटे छोटे पिल्ले बहुत अच्छे लगते थे। यहाँ पे आपने देखा होगा पिल्ले में आधा ला है फिर पूरा ला है, तो ये क्या हुआ, ये आया द्वित व्यंजन, है ना। अगर हम इसमें से ला हटा दें, हाफ वाला ला हटा दें, तो क्या क्या बोलेंगे, पिले, पिले तो नहीं होता ना, एक नई ध्वनि है पिल्ले, इसलिए ये यहाँ पे द्वित व्यंजन का इस्तेमाल हुआ है। वह चाहता था कि उसके घर में भी एक पिल्ला हो। जब वह मम्मी पापा से पिल्ला पालने की कहता तो वह कहते, बेटा जब नया घर बनाएंगे तब पालेंगे। नए घर में आते ही निखिल के पापा ने पिल्ला लाने की ठान ली। बच्चों आप अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ई वाले शब्द, छोटी ई बड़ी ई दोनों वाले, दोनों। पिल्ला रखने से मन भी लगेगा और घर की रखवाली भी होगी। निखिल का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए उसके पापा ने सोच लिया था कि वे इस बार निखिल को जन्मदिन के तोहफे, तोहफे मतलब गिफ्ट, गिफ्ट उपहार, है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे तोहफे में, अगर आप तोहफे की, तोहफे वर्ड की स्पेलिंग देखें तो फ के नीचे देखो आप, फ के नीचे बिंदी लगी हुई है एक, है ना। अगर हम इस बिंदी को हटा दें तो ये शब्द नहीं बनेगा। एक होता है ये फा से, फा से फल वाला फा नहीं है, इसके नीचे अगर बिंदी लगती है तो ये ज फ, तोहफे फ, है ना, साउंड करता है ये। मैं एक सा प्यारा, एक प्यारा सा पिल्ला देंगे। जब निखिल का जन्मदिन आया तब पापा ने निखिल को एक डलिया थमाते हुए कहा। डलिया, यहाँ पे एक डलिया वर्ड आया है, इसको पहले तो अंडरलाइन भी करिए। दूसरा डलिया, डलिया में देखो डलिया मतलब एक छोटी सी बास्केट, है ना। ये लो तुम्हारा तोहफा, तोहफा। निखिल ने जब डलिया के अंदर देखा तो उसमें एक प्यारा सा भूरे रंग, भूरा कौन सा कलर होता है, भूरा कौन सा कलर होता है, जैसे कलर, हाँ बिल्कुल ठीक, ब्राउन कलर बैठा हुआ था। पिल्ले को देखकर निखिल बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पे कई बच्चे बोल देते हैं बहुत बहुत, नॉर्मली हम जब बोलते हैं तो बहुत बहुत बोलते हैं, बहुत नहीं होता, बहुत बहुत, है ना। तो जैसा अगर हम सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे भी, ये ध्यान रखना बच्चों, तो हमें सही ही बोलना है, उसको प्रोनाउंस भी ठीक करना है। उसने उस प्यारे से पिल्ले का नाम प्लूटो रखा। निखिल ने अपने सारे दोस्तों को प्लूटो से मिलवाया। धीरे धीरे प्लूटो निखिल के साथ खूब खेलने लगा। प्लूटो को सुबह सुबह बगीचे में
घूमने का बहुत शौक था। शौक मतलब उसको इंटरेस्ट था, शौक। इसलिए वह निखिल को सुबह जल्दी उठा देता था। बगीचे में प्लूटो निखिल को अपने पीछे खूब दौड़ाता था। निखिल ने प्लूटो को गेंद, अब बच्चों देखो यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई है गेंद में, वो बिंदी किसकी है? अंग, अंग से अंगूर का जो वर्ण है उसकी बिंदी है ये, है ना। अगर ये बिंदी ना लगे तो गेद, गेद हो जाएगा ये, गेद। गेद तो नहीं होता, गेंद होता है ना, गेंद ना साउंड कर रहा है, ठीक है। तो यानी मात्राओं का कितना बड़ा रोल है ये आप समझ सकते हैं। लाने का खेल भी सिखा दिया था। प्लूटो बहुत तेज तेज, ज ज ये फिर देखो, ज के नीचे बिंदी दिख रही है आपको, यानी कि ये ज साउंड करेगा, ज नहीं करेगा, तेज नहीं है, तेज तेज भागता था और गेंद उठाकर ले आता था। यह देखकर निखिल के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते थे। निखिल प्लूटो की देखभाल करता था। वह दूध और रोटी भी सिर्फ निखिल के हाथों से ही खाता था, है ना। आप देखो इसमें एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ, ये वाला देखो आप, सिर्फ। इसमें ऊपर फ के ऊपर भी एक मात्रा लगी हुई है, किस चीज की मात्रा है ये, कौन सा अक्षर है जिसकी मात्रा है ये? र की मात्रा है, र से रथ वाला है ना, र है ना, ये उसकी मात्रा होती है, ठीक है। तो सिर्फ, और ये बीच जो दो लेटर्स होते हैं उनके बीच में इसकी साउंड आनी चाहिए, सिर्फ, है ना, सिर्फ। निखिल के हाथों से ही खाता था। निखिल उसे समय समय पर डॉक्टर के पास भी लेकर जाता था ताकि उसे कोई बीमारी ना हो। प्लूटो निखिल से इतना प्यार करता था कि वह निखिल के विद्यालय जाने के बाद, विद्यालय मतलब स्कूल, स्कूल, बहुत उदास सा हो जाता था। कभी कभी तो वह घर के दरवाजे 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 नहीं है, दरवाजे पर बैठकर उसके आने का इंतजार करता था। इंतजार, ये देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है, जा के नीचे नुक्ता आ रहा है, जा के नीचे एक बिंदी आ रही है जो ज नहीं है, ज है, ज। आपको भी ऐसे ही उसको पढ़ना है। इंतजार करता था। निखिल के विद्यालय से घर आते ही दोनों की मस्ती फिर शुरू हो जाती थी। अब आप देखो यहाँ पे र में एक मात्रा लगी हुई है, ये मात्रा ऊ की है ना। तो एक रा ही एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा पीछे लगती है ना। बाकी जगह तो ऊ की, ऊ ये भी ऊ की मात्रा है, देखो शा में लगी हुई है ऊ की मात्रा। अब शा में तो नीचे लगी हुई है, ये भी ऊ है, ये भी ऊ है, लेकिन र व्यंजन में ऊ की मात्रा पीछे लगती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, हो जाती थी। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब आपने रीडिंग कर ली बच्चों चैप्टर की, छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको पार्ट को दोबारे से पढ़ना है, ठीक है। और ई मात्रा के तो शब्द हम अभी लाइन अंडरलाइन करते गए साथ साथ, आपने मेरे साथ किए। अब आपको ओ, लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड दोनों जब आप खुद पढ़ेंगे तो वो वाले भी आपको शब्द अलग करने हैं, उनको भी अंडरलाइन करके अलग करिए, ठीक है, समझ गए, कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कक्षा में और इसके करेंगे हम प्रश्न उत्तर, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।